नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। कनाडा में क्यूबेक सिटी की मस्जिद में नमाज के दौरान गोलीबारी, 5 लोगों की मौत, कई जख्मी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के विरोध में उतरी भारतीय मूल की सांसद प्रमिला जयपाल, ट्रंप के आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक आदेश बताया। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य हैं प्रमिला जयपाल। भविष्य में अमेरिका पाकिस्तान के नागरिकों की एंट्री पर भी लगा सकता है बैन, व्हाइट हाउस ने दिया संकेत। ट्रंप के 7 देशों के प्रवेश के प्रतिबंध के फैसले पर अदालत लगा चुकी है अस्थायी रोक। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने जताई आशंका, कहा उत्तर कोरिया दाग सकता है मध्यम दूरी की मिसाइल। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नववर्ष के अपने संबोधन में मिसाइल दागे जाने की अंतिम तैयारियों की कही गई थी बात। और म्यांमार की सत्ताधारी NLD पार्टी के कानूनी सलाहकार यू नो नी की गोली मारकर हत्या। हमलावर ने यंगून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर यू के सिर में मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।